वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर HDP के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु पोषण सब्जेक्ट में एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 5 चारों का संरक्षण यानी फोल्डर कंजर्वेशन ऑफ फोल्डर यानी चारों का संरक्षण, चारे को किसे संरक्षण करते हमने या इससे पूर्व लेक्चर में पढ़ा था हे बनाने के बारे में। हे का मतलब चारे को या घास को सुखाते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइलेज मेकिंग। ये वो विधि है जिसके द्वारा हरे चारे को उसकी रसीली अवस्था में, जब वो हरा चारा होता रसीली अवस्था में गड्ढे में दबाकर रखी जाए, यानी जब चारा हरा होता है रसीली अवस्था में होता है उस टाइम उसको गड्ढे में दबा के रखते हैं। इसे साइलोइंग यानी जो गड्ढे में दबाते हैं हरे चारे को उसको बोलते हैं साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। और इस विधि द्वारा जो वस्तु बनकर तैयार होती है यानी जो चारा तैयार होता है उसे बोलते हैं साइलेज या इनसाइलेज, उसको इनसाइलेज भी कहते हैं। तो ये चारा हरा, ये मतलब चारा संरक्षण करने की इनसाइलेज या साइलेज विधि है। अब ये जो चारा संरक्षित करने का तरीका है ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि साइलेज जो है खराब मौसम में भी बना सकते हैं। जैसे मान लो बरसात का मौसम हो गया तो आप हे नहीं बना सकते, हे को सुखाने के लिए रोशनी चाहिए, बरसात में तो हे खराब हो जाएगी ना। इसलिए अगर बरसात का मौसम या ख़राब मौसम भी हो तो भी हम उस चारे को संरक्षित करेंगे, उसकी साइलेज बना सकते हैं। जबकि बरसात में हे नहीं बन सकती लेकिन साइलेज आसानी से बन सकती है। साइलेज बनाने का क्या उद्देश्य है, साइलेज हम क्यों बनाते हैं? साइलेज जिस मौसम में हरा चारा अधिक होता है यानी जिस मौसम में हरा चारा अबंडन होता है अच्छी मात्रा में होता है, उस अतिरिक्त चारे को असामान्य अवस्थाओं के लिए संरक्षित करना, यानी ऐसी समय के लिए जब चारे की किल्लत होती है उस टाइम के लिए हम हरे चारे को संरक्षित कर लेते हैं, जब चारा हमारे पास में प्रचुर मात्रा में होता है। अब आप जानते हो चारे का अभाव कब होता है, चारे का अभाव हरे चारे की कमी होती है जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई के महीने में और अक्टूबर नवंबर के महीने में हरा चारा नहीं मिलता है, उसकी किल्लत होती है। साइलेज बनाते हैं दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी अगर हम साइलेज खिलाते हैं पशुओं को तो उसका दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। बैल जो है, बैलों को अगर साइलेज खिलाते हो तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर वो हल जोतने काम करता है या वो कोल्हू में जोड़ते हो या कोई भार ढोते हो आप, तो मतलब उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। शरीर के भार के अनुसार अगर मान लो एक पशु का भार 100 किलो है, उसकी बॉडी वेट 100 किलो है, तो उसको हम 5 किलो साइलेज पर डे खिला सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्वस्थ पशु को एक दिन में 15 से 20 किलो साइलेज खिलाया जा सकता है। यानी अगर मान लो 100 किलो पे तो हम 5 किलो साइलेज खिलाते हैं, लेकिन एक स्वस्थ पशु जो है उसका भार होता है 300 से लेके 400 केजी तक। ये नॉर्मल पशु का भार होता है 300 से 400 किलो एवरेज वेट है, तो उसको हम 15 से 20 किलो साइलेज डेली खिला सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाई साइलेज खिलाने का फार्मूला क्या है, तो हम उसको 5 केजी साइलेज 100 किलो बॉडी वेट पे खिलाते हैं। अब साइलेज बनाने में रासायनिक और जैविक क्रिया दोनों होती है, वो क्या होती है? साइलेज बनाते समय जो रासायनिक और जैविक क्रिया वो होती है, जब साइलेज बनाने लगे चारे को गड्ढे में दबा कर बंद कर, यानी साइलेज हम कैसे बनाते हैं, हरे चारे को काट के और गड्ढे में दबा देते हैं, उसको गड्ढे में दबा के उसको एयर टाइट कर देते हैं, यानी उसमें जो भी एयर होती है उसको निकाल देते हैं और उसको इस प्रकार से ढकते हैं कि उसमें एयर एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन जो पौधों में उपस्थित अगर हम उसको दबा देते हैं लेकिन हरी अवस्था में दबाते हैं तो पौधे की पत्तियां जो है वो जिंदा होती है, कोशिकाएं उसकी जीवित होती है, तो बची हुई ऑक्सीजन होती है कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाएं सांस लेती है ऑक्सीजन लेती है। तो जो हम ताज़ा चारे को काट कर अगर
गाड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कुछ देर तक रहती है, क्योंकि वो जो पौधे के पत्ते आपने काटे हैं उसके अंदर जो कोशिका है वो कुछ समय के लिए सांस लेती है, अर्थात कुछ घंटों में ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तथा एनएरोबिक स्थिति बन जाती है। यानी जब आप उसको गाड़ते हो तब तो उसमें एयर कुछ समय के लिए रहती है, क्योंकि जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो उसकी कोशिकाएँ जिंदा रहती है कुछ टाइम के लिए, तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, तो उसकी कुछ टाइम के बाद में उसकी स्थिति जो है एनएरोबिक यानी वायु रोधी, जिसमें वायु बिल्कुल नहीं होती, इस एनएरोबिक हालत में ये कुछ जीवाणु है, इस्चर्चिया, क्लेबशीला, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, लेक्टोबेसिलस आदि जीवाणु ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं। एक कोशी के जीवाणु होते ही है ये तेज़ी से उसमें वृद्धि करते हैं तथा कुछ ही घंटों में उपलब्ध ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। जब ये इतने जो जीवाणु है जिसके नाम लिए अभी मैंने, जो एक सेल के होते हैं, ये जो उसमें ऑक्सीजन होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, जिसमें साइलेज में फफूंदी व यीस्ट का विकास नहीं होता। यानी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड में जब उसको बदलते हैं तो उसमें फफूंदी या यीस्ट का विकास नहीं होता, तो गड्ढे का तापमान भी बढ़ जाता है। ये उसमें क्रिया होती है किसमें, जब हम उसको साइलेज को गाड़ते हैं चारे को। पौधों के इस प्रकार श्वास लेने के साथ कोषाणु में उपस्थित एंजाइम चारे के कार्बोहाइड्रेट को, यानी जो इस तरह से जब पौधे की पत्तियां सांस लेती है कुछ समय के लिए, तो उनके जो कोषाणु हैं यानी कोशिकाएं हैं उनमें उपस्थित एंजाइम जो है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, वो चारे में के कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में विघटित कर देते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये मतलब उसमें जैविक क्रिया होती है। सूत्र द्वारा प्रदर्शित हम इस तरह से कर सकते हैं कि C6H12O6 + 6O2 ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, उसमें ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन होता है यानी उसका विघटन होता है और उसमें बनता है 6H2O पानी बनता है प्लस CO2 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस 673 कैलोरी ये ऊर्जा बनती है, किलो कैलोरी ये इतनी ऊर्जा बनती है। जैसे इस श्वास प्रवास एंजाइम की प्रक्रिया एरोबिक कंडीशन के कारण धीमी पड़ती है, मतलब ये श्वास प्रवास जो लेता है ये कुछ देर के लिए होता है जब तक उसमें जिंदा रहती है सेल और वो सांस लेती है, उसके बाद ये धीमी पड़ती है। जैसा कि ऊपर उच्च जीवाणु तेजी से वृद्धि करते हैं तब बैक्टीरिया घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर जो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़कर लैक्टिक एसिड अल्प मात्रा में ब्यूटारिक अम्ल व एल्कोहल बनाते हैं। ये एसिड लैक्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड और कुछ मात्रा में एल्कोहल बनाते हैं तब प्रोटीन का ह्रास करके भी अब उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको भी वो ह्रास कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डिग्रेड करके एमिनो व एसिटिक अम्ल बनाते हैं, एमिनो एसिड और एसिटिक अम्ल बनाते हैं। वैसे भी चारे में साइट्रिक अम्ल में मौलिक अम्ल जो है अधिक मात्रा में होता है, इस साइट्रिक अम्ल व मौलिक अम्ल को होमो व हेट्रोलैक्टिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन द्वारा लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेहोल व 2-3 ब्यूटोनिडोल में डिग्रेड करते थे, इन पदार्थों में उसको डिग्रेड कर देते हैं। अब इसका ये सूत्र दिया हुआ है, मतलब होमोहिट्रो और लैक्टिक फर्मेंटेशन द्वारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और इथेहोल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड ये उसमें प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो मेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को तो ये इन में चेंज कर देते हैं और जो मेलिक एसिड है उसको इसी कंडीशन में होमोहिट्रो लैक्टिक फर्मेंटेशन द्वारा लैक्टिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो लैक्टिक अम्ल है जो उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो उत्पन्न होता है वह साइलेज का पीएच भी कम होने लग जाता है, इसकी वजह से साइलेज का पीएच है वो कम होने लगता है तो साइलेज में अच्छी गंध उत्पन्न हो जाती है।
उसमें अच्छी गंध आने लगती है। एसिटिक एसिड जो है वो है, उसकी पीएच अम्लीय होती है, तो उसका जो चारा है उसकी पीएच को घटा देता है। इन अम्लों के कारण से, कारण वे जीवाणु जो साइलेज को ख़राब करते हैं, यानी ऐसे जीवाणु भी उसमें चारे में होते हैं जो चारे को ख़राब करते हैं, तो इन अम्लों के कारण जो है वो पनप नहीं पाते हैं, तथा इस हालत में साइलेज को ख़राब करने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं। जीवाणु जो ख़राब करते हैं चारे को, मर जाते हैं। अब बहुत अच्छी साइलेज जो है उसके क्या गुण हैं? स्वाद व गंध में अम्लीय हो, यानी जो अच्छा साइलेज बनता है उसका स्वाद में और गंध में दोनों में वो अम्लीय हो, यानी स्वाद उसका तीखा हो अम्ल के वजह से, और उसका पीएच अम्लीय हो। इसमें ब्यूटारिक एसिड, अब इसमें ब्यूटारिक अम्ल और फफूंदी नहीं होनी चाहिए इस साइलेज में। पीएच इसका 3.5 से 4.2 के मध्य होगा, यानी ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है कि साइलेज का चारा तैयार होता है तो उसका पीएच क्या होगा, तो उसका पीएच होगा 3.5 से 4.2 के मध्य। रंग उसका हरा अथवा बादामी, बादाम की तरह का रंग हो या हरा रंग हो, वह गंध आती हो, उसमें अच्छी गंध आती हो। लैक्टिक अम्ल 1 से 2% हो, उसमें लैक्टिक अम्ल जो है 1 से 2%, तो कुल नाइट्रोजन जो है वो 10% से कम हो। इसमें थोड़ी सी मात्रा ब्यूटारिक अम्ल की होती है, इसमें थोड़ी मात्रा ब्यूटारिक अम्ल की होती है। अच्छी साइलेज, ये तो थी बहुत अच्छी साइलेज के गुण, बहुत अच्छी साइलेज के गुण थे ये। अच्छी साइलेज के गुण है, अम्लीय स्वाद व गंध आती हो। अच्छी साइलेज हो तो उसमें अम्लीय और गंध आती हो, अम्लीय स्वाद और गंध आती हो। पीएच उसका 4.2 से 4.5 के मध्य हो। कुल नाइट्रोजन जो है 10 से 15% हो। फिर ठीक ठीक साइलेज, अगर ठीक ठीक साइलेज हो तो उसका हल्का अम्लीय और पीएच 4.5 से 4.8 में ऊपर, उससे ऊपर भी हो सकती है। कुल नाइट्रोजन जो है 15 से 20% हो, ये उसकी अच्छा, अगर मान लो साइलेज खराब क्वालिटी का है तो उसका क्या करेक्टरिस्टिक होगी? उसमें तीखी गंध आएगी, तीखी गंध आएगी, और पीएच उसका 4.8 से ऊपर होगा। नाइट्रोजन जो है 20% से ऊपर होगी। अगर ये कंडीशन है तो वो साइलेज खराब क्वालिटी का है। तो ये चार स्टेज है, बहुत अच्छा साइलेज, अच्छा साइलेज और ठीक ठीक साइलेज और ख़राब साइलेज। अब इसके जो चारों टाइप है, इसके चारों टाइप के जो पीएच आपको याद करना है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा याद करनी है और इसकी स्वाद और गंध कैसा है वो भी आपको याद करना है। अब जब हम साइलेज बनाते हैं, साइलेज जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? जिस चारे से साइलेज बनाना हो, यानी हम जिस चारे से साइलेज बनाना चाहते हैं उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा, ड्राई मैटर की मात्रा 30 से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसमें ड्राई मैटर जो है 30 से 40% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो चारा जो आपका रसीला नहीं होगा। तथा नमी 70 से 60% होनी चाहिए। नमी उसकी कितनी होनी चाहिए? 70 से 60%, जबकि हे के अंदर नमी जो है 25% से भी कम होती है, 15% से भी कम होती है। यदि ज़्यादा नमी है तो चारे को सुखा लें। अगर मान लो उसमें 80% के लगभग नमी है तो उसको थोड़ा सुखा लेते हैं, और अगर नमी कम है तो उसमें पानी छिड़क देते हैं थोड़ा। अगर नमी उसकी 60-70 से कम है, 50 है 40 है, तो उसमें कुछ पानी छिड़क देते हैं। चारे में नमी कम होगी तो चारा अच्छी प्रकार गड्ढे में दबेगा भी नहीं। अगर उसमें नमी कम है तो वो अच्छी प्रकार से गड्ढे में नहीं दबेगा। आप दबाओगे तो उसमें सूखा होगा कुछ, तो वो दबेगा नहीं ढंग से, जिससे चारे के बीच में हवा रह जाएगी और वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन के कारण चारे के सड़ने का भय रहता है। अगर चारा नहीं सड़े तो हम इसलिए उसको एनएरोबी करते हैं। अगर मान लो उसके अंदर कुछ हवा रहेगी तो चारा सड़ने के चांसेज है। तथा अधिक नमी होगी तो साइलेज खट्टी होगी, और अगर ज़्यादा नमी होगी तो साइलेज जो है वो खट्टी होगी टेस्ट में। चारे की लंबाई ज़्यादा हो तो, अगर चारा लंबा हो, चारे की लंबाई ज़्यादा हो, मतलब चारे के जो पत्ते या तना जो है वो लंबे हो ज़्यादा, तो उसको काट लेते हैं, छोटे कर देना चाहिए ताकि चारा गड्ढे में पूर्ण रूप से दबाया जा सके। चारा साइलेज बनाए जाने वाले चारे में कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी मात्रा होनी चाहिए, यानी जिस चारे से हम साइलेज बनाना चाहते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी मात्रा होनी चाहिए। यदि कमी हो तो उस पर शीरा का छिड़काव कर दें।
अगर मान लो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लगती हो आपको, तो उसमें शीरा मोलासेस जो गुड़ का गुड़ बनाते हैं ना फैक्ट्री, जिसमें शक्कर बनाते हैं उसका अवशेष जो होता है वो है, उसको छिड़क देना चाहिए ताकि किण्वन के समय, किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन के समय अम्ल काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ सके। चारा जिसका साइलेज बनाना है उसे, उसके तने अधिक कठोर नहीं होने चाहिए। जिस चारे से हम साइलेज बनाना चाहते हैं उसका तना जो है ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। अब इसका गड्ढा भरने की विधि क्या है, फिलिंग ऑफ साइलो पिट, एक साइलो पिट बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम साइलेज को दबाते हैं। तो खाई अथवा गड्ढे में के पेंदे पर एक परत है, यानी जब वो खाई या गड्ढा बनाते हैं हम उसकी जो पेंदा है उसमें एक पतली परत जो है की या स्ट्रा के लगा दें, स्ट्रा भूसा के लगा दें ताकि नीचे का साइलेज खराब नहीं हो। कटा हुआ चारा यानी चाप के पाउडर जो है उसको समान रूप से गड्ढे में खूब दबा दबा कर भर दें ताकि चारे के बीच की हवा निकल जाए। जहाँ तक वो गड्ढे को कम से कम समय में भरें, यानी उसमें भरने में ज़्यादा समय नहीं लगाएं। यदि कुछ दिन लग रहे हों तो नित्य भरे हुए चारे की सतह को त्रिपाल से ढक दें। अगर मान लो आपको लगता है कि चारा जो है पूरा गड्ढा भरने में एक दो दिन लगेंगे, तो जितना एक दिन में भर गया उसके ऊपर भी त्रिपाल से उसको ढक देना चाहिए, इससे चारा जो है वो सूखेगा नहीं। भरे हुए गड्ढे व चारे को धूप और वर्षा से बचा कर रखें, ये सावधानी है। आमतौर पर एक से एक सवा मीटर गड्ढा रोज़ भरना चाहिए, यानी गड्ढे की जो गहराई है उसमें से भरे हुए गड्ढे को जो है आमतौर पर एक से सवा मीटर उसको डेली भरना चाहिए। गड्ढे को इतना भरना चाहिए कि वह दबने के बाद चारा पृथ्वी के धरातल से कम डेढ़ मीटर ऊंचा रहे। अगर आपने चारा इस तरह से भरोगे कि जो गड्ढे का धरातल है यानी उसका जो ऊपर वाला शिरा है, तो वो इस तरह से भरते हैं कि वो ऊपर वाला सिरे से भी डेढ़ मीटर की ऊंचाई तक चारा भरकर वो चारा जो है भरते हो ऊपर गड्ढे से वो डेढ़ मीटर ऊंचा तक रहे, उससे ऊंचाई डेढ़ मीटर ऊंचे तक वो चारा रहना चाहिए। और उससे डेढ़ मीटर ऊंचाई तक चारा भरकर ऊपर से घास फूस बिछाकर अंत में मिट्टी गोबर आदि से लीप देते हैं, यानी चारा जो डेढ़ फुट ऊपर लेके ना उसको जमा के दबा के पूरी तरह से उसके ऊपर जो है घास फूस बिछा देते हैं और फिर उसको मिट्टी का जो गारा होता है, गोबर मिट्टी का गारा होता है, उसे लीप देते हैं। गारा अपने घरों में गारा लीपते हैं गाँव में, उसी तरह से उसको लीप देते हैं, पोत देते हैं ताकि अंदर की हवा अंदर नहीं जा सके, वह नए ही अंदर की बाहर आ सके। जो हवा अंदर है वो अंदर रहे, बाहर की हवा वो अंदर नहीं जा सके। डेढ़ मीटर ऊंचाई समयानुसार अपने आप कम हो जाएगी, यानी जो डेढ़ मीटर ऊंचा किया ना उसको धरातल से, वो ऊंचाई क्या है धीरे धीरे जैसे वो जमेगा और उसकी हवा जो है वो किण्वन की क्रिया होगी ना, तो वो अपने आप नीचे धरातल के बराबर हो जाएगा। अब हम आप पढ़ते हैं साइलेज के क्या लाभ हैं। हमने साइलेज तैयार कर लिया, साइलेज में क्या क्या सावधानी रखते हैं वो भी हमने देख ली। अब साइलेज के लाभ क्या है, जब मौसम हे बनाने की उपयुक्त नहीं होते, हे बनाने का मौसम जो है ना साफ सुथरा होना चाहिए, बरसात वाला मौसम नहीं होना चाहिए, बादल वगैरह नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए मौसम में। अगर ऐसा मौसम खराब है तो उस टाइम हम साइलेज बना सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। बरसात आदि के मौसम में जब अत्यधिक मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है, बरसात के टाइम में जब हरा चारा बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, तो अकाल के समय उपयोग के लिए हम उसको संरक्षित साइलेज बनाकर कर सकते हैं। इस विधि से पशु को वर्ष भर जो है रसीला स्वादिष्ट पौष्टिक चारा उपलब्ध होता रहेगा। हमने साइलेज बना के उसको संरक्षित कर लिया तो पशु को रसीला स्वादिष्ट पौष्टिक चारा जो है साल भर मिलता रहेगा। मुख्य चारे के साथ खरपतवार से भी साइलेज बनाकर, अगर जो मुख्य फसल जिससे हम साइलेज बनाते हैं उसके साथ अगर कोई खरपतवार है उसको भी हम साइलेज में मिला के पशुओं के उपयोग में लिया जा सकता है, तथा इससे खरपतवार नष्ट भी हो जाते हैं, यानी खरपतवार का उपयोग भी ले लेते हैं और वो खेत में से नष्ट भी हो जाते हैं। इस विधि से हरा चारा लंबे समय के लिए संरक्षित किया जाता है, यानी इस विधि से हम चारे को लंबे समय तक के लिए संरक्षित कर सकते हैं। साइलेज में हे की तुलना में केरोटीन का कम ह्रास होता है, यानी केरोटीन जो है विटामिन ए का प्रीकर्सर है, उसका ह्रास जो है साइलेज में हे की बजाय कम होता है। फली वाली फसलें जो हे बनाने के अधिक उपयुक्त नहीं हो, जो फली वाली फसलें जो हे बनाने के काम की नहीं होती है ना, उनसे हम साइलेज बनाने काम ले सकते हैं।
वो फसलें या वो चारे की फसलें जिनमें फलियाँ लगती है वो अगर हे बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि अगर फलियाँ होगी तो वो हे बनाने के लिए हे तैयार नहीं होगी ढंग से, तो उसका हम साइलेज बना सकते हैं। पशुओं को साइलेज खिलाने से उनके राशन में कमी आ जाती है। अगर हम साइलेज खिलाते हैं पशुओं को तो उसको सारे पौष्टिक तत्व तो मिल जाते हैं और उसको चारा जो हम खिला रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उससे पशु का कम दाना भी कम देना पड़ेगा और इससे पशुपालक को आर्थिक लाभ होगा। साइलेज जो है अन्य चारों स्वादिष्ट व अधिक पाचक एवं पौष्टिक होते हैं, अतः इसे खिलाने से पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है तथा पशु स्वस्थ रहता है, बेलों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस विधि में पशु पक्षियों के अकार्बनिक अपशिष्ट यानी पशु पक्षियों के जो अकार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे पोल्ट्री की लीटर है, पोल्ट्री की लीटर जैसे बिछावन होती है पोल्ट्री की, उसको लीटर बोलते हैं, पढ़ोगे आप मैनेजमेंट में। पिग वेस्ट, पिग का जो वेस्ट होता है उसको भी चारे के साथ मिला के साइलेज बनाया जा सकता है, ये इसका फायदा है। पशुओं को साइलेज खिलाने से पेट के कृमि परजीवी का कम प्रकोप होता है। अगर हम उसको साइलेज खिलाएंगे तो परजीवी और कीड़े पेट के उनका प्रकोप कम होगा। कारण क्या है कि जब चारे को हम साइलेज बनाते हैं तो उसकी जो एसिड की प्रक्रिया होती है उससे वो कीड़े के स्पोर वगैरह मर जाते हैं। साइलेज सूखे चारे हे की अपेक्षा कम स्थान घेरता है, यानी अगर सूखा चारा है वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, लेकिन साइलेज जो है वो कम स्थान घेरता है, इससे डेयरी फार्म पर स्थान की अधिक बचत होती है, इसलिए स्थान की बचत भी होती है। साइलेज में आग लगने और सड़ने का डर नहीं रहता है जैसा हे में रहता है। अब साइलेज की कुछ हानियाँ भी है, वो क्या है, साइलेज का हे की तुलना में स्थानांतरण कठिन है। हे को आप आसानी से स्थानांतरित कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन साइलेज को ऐसा नहीं कर सकते। साइलेज में हमें स्थाई निर्माण करना होता है, हे के अंदर स्थाई निर्माण की जरूरत नहीं है। साइलेज में हमें ट्रेंच या पिट खोदना पड़ता है, लेकिन हे को सिर्फ समतल जमीन पर सुखा लेते हैं। खराब स्थिति का साइलेज पशु खाता नहीं है तो ये बड़ा नुकसान है। अब साइलेज बनाने के लिए जो उपयोगी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, फसलों में क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो साइलेज बनाने में फसलों की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फसलों में नाइट्रोजन कम हो लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे साइलेज बना रहे हैं उसमें नाइट्रोजन कम होना चाहिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होना चाहिए। नमी की मात्रा भी उपयुक्त हो, ज़्यादा नहीं हो। शुष्क पदार्थ की मात्रा भी निश्चित हो, उसकी मात्रा निश्चित हो। जो अच्छी क्वालिटी फसल होती है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है। साइलेज हेतु फसल को फुलाते समय ही जब साइलेज बनाते हैं तो फसल में जब फूल आते हैं उसी समय उसको काटना चाहिए ताकि पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो। अब वे फसलें कौन कौन सी हैं, वो फसलें ज्वार, मक्का, MP, चरी, बाजरा और जई, ये याद रखने वास्ते जो फसलों में क्वालिटी वाली फसलें वो कौन कौन सी हैं। यदि हम दलहनीय फसलें मतलब जिनके फलियां लगती है, दलहनीय फसलें जैसे लुसर्न है, बरसीम है आदि से बनाने की निम्न बातें दे रखे, उनको अगर हम बरसीम या लुसर्न से साइलेज बनाते हैं तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। दाने वाली फसलों के चारे में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट कम होता है, ये आप सबको पता है। प्रोटीन ज़्यादा होता है तथा फसलों में नमी अधिक होती है, इसलिए इनसे साइलेज अच्छा नहीं बनता है। अतः यदि इनसे साइलेज बनाना पड़े तो निम्न उपचार पूर्व में कर ले ताकि अच्छी क्वालिटी का साइलेज बने। अगर देखो आप जानते हो कि जो रिजका और बरसीम आदि है ये दाने वाली फसलें हैं, अगर दाने वाली फसलों में क्या कार्बोहाइड्रेट घुलनशील तो कम होता है लेकिन प्रोटीन मात्रा ज़्यादा होती है और इनकी फसलों में नमी की मात्रा भी ज़्यादा होती है तो इनसे अच्छा साइलेज नहीं बनता। इसलिए अच्छा साइलेज बनाने क्या करना चाहिए, बरसीम अकेले चारे से अधिक साइलेज अच्छा साइलेज नहीं बनता है। अगर बरसीम को अकेले का अगर आप साइलेज बनाना चाहो तो अच्छा साइलेज नहीं बनता है, अतः इसे किसी अन्य चारा फसल के साथ में मिलाकर साइलेज बनाना चाहिए। बरसीम के साथ में कोई और चारा मिला लेना चाहिए। 100 किलोग्राम चारे में यदि 100 किलोग्राम चारे में 0.3 किलोग्राम शीरा और 0.8 किलोग्राम सोडियम मेटासल्फाइड की दर से मिलाकर साइलेज बनाना चाहिए। अगर साइलेज अच्छा बनाना है बरसीम से लुसर्न से तो उसमें 100 किलो चारे में 0.3 किलो शीरा और 0.8 किलो सोडियम मेटासल्फाइड मिला लेना चाहिए ताकि फर्मेंटेशन आसानी से हो सके। फर्मेंटेशन के लिए शीरा ज़रूरी है।
नमी को हमेशा नियंत्रित करने के बाद ही साइलों में डालें, यानी आप जो चारा काटा हुआ है उसमें जब नमी को नियंत्रित कर लेते हो ना, तभी उसको साइलो पिट में डालना चाहिए, अन्यथा फफूंदी व ईस्ट का प्रकोप होने की संभावना अधिक होती है। अब साइलेज बनाने की जो विधियां हैं वो उनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।